हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर का आज अपन पढ़ेंगे पार्ट टू जो कि है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है बच्चों, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बता दिया है। मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि जो ठोस होते हैं उनको दो प्रकार के ठोस होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में चर्चा हम इस अध्याय के अंदर नहीं करेंगे, सिर्फ जो क्रिस्टलीय ठोस है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आणविक ठोस जिसको मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। दूसरे टाइप के जो सॉलिड हैं उनको कहते हैं आयनिक सॉलिड जो कि आयनों के मध्य आकर्षण वाला होता है। तीसरे टाइप के जो सॉलिड हैं वो होते हैं मेटेलिक सॉलिड। और चौथे टाइप के जो सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रिस्टलीय टाइप के सॉलिड हैं जो कि है कोवेलेंट सॉलिड जिसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। पूरा अध्ययन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा अंतर डिफरेंस जान लेते हैं ताकि अपन को अध्ययन करने में थोड़ी सी सरलता रहेगी। सबसे पहले हैं अपने ये क्रिस्टलीय सॉलिड, सबसे पहले हैं अपने आणविक ठोस जो कि देखो किस प्रकार से होते हैं। मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि आणविक ठोस जो होते हैं जिसके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो अणुओं अणुओं के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, अणुओं अणुओं के मध्य। जैसे ये H2O है और ये दूसरा H2O है, ये भी अणु है और ये भी अणु है। इसके मध्य जो आणविक आकर्षण बल होता है ना, इस प्रकार अगर अणु अणुओं के मध्य आकर्षण बल है और वो अगर क्रिस्टलीय ठोस है, वो कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस, तो इस प्रकार के ठोसों को हम क्या बोलते हैं, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे प्रकार के जो सॉलिड हैं वो कहलाते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में देखो बच्चों क्या होता है कि जो अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, है ना। तो यहाँ जो आयन आयन है इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है, ये एक आयन ये दूसरा आयन, ये एक आयन ये दूसरा आयन, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल है ना। इन दोनों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर जो ये भी क्या है, एक प्रकार के क्रिस्टलीय सॉलिड है, लेकिन इसके जो अंदर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो किसके मध्य है, आयन आयन के मध्य है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयनिक सॉलिड। क्या कहलाते हैं बच्चों, आयनिक सॉलिड। देखो इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें तो अणु और अणु के मध्य है। ऐसे मत कह देना कि भाई ये NaCl और NaCl के मध्य आकर्षण बल, नहीं, यहाँ पर आकर्षण बल किसके मध्य है, Na और Cl के मध्य आकर्षण बल, आयन और आयन के मध्य आकर्षण बल है। तो इस प्रकार के ठोसों को तो बोलते हैं आयनिक ठोस। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अणु और अणु के मध्य आकर्षण बल है। यहाँ H2O का एक अणु है, ये दूसरा H2O का अणु है, इसके मध्य जो आकर्षण बल है उसके आधार पर इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो अणु और अणु के मध्य आकर्षण बल तो कौन सा हो जाएगा, आणविक ठोस। और अगर आयन और आयन के मध्य आकर्षण बल होगा तो वो किस प्रकार का ठोस हो जाएगा, आयनिक ठोस। लेकिन अगर धातुएं हैं, क्या है, तीसरे टाइप का जो है वो कौन सा है, मेटल है। जो धातुएं होती हैं आपको पता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो मैं एक एग्जांपल अपन लोहे की बात कर लेता हूँ। जो लोहा होता है वो माना कि टू Fe2 प्लस फॉर्म में है, तो वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, देगा, तभी तो Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो ये भी हो गया Fe2 प्लस और 2e माइनस, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ये Fe2 प्लस, Fe2 प्लस प्लस, तो ये क्या होता है कि पूरा एक इलेक्ट्रॉनों का एक क्या है, सी है, समुद्र है, जिसके अंदर कौन है, यहाँ पर है धातुएं हैं। तो धातु के धात्विक, धातु के अणु जो कि कौन है, परमाणु। तो ये कौन है, एक तो है धातु परमाणु और दूसरा कौन है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो धातु के परमाणु और जो इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है, इनके मध्य जो क्या होता है, आकर्षण बल होता है, इसी के आधार पर अगर इसका डिवाइडेशन किया जाए तो क्या होगा, वो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, मेटेलिक सॉलिड। ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। फर्क क्या है, इसके अंदर उपस्थित अंतर आणविक जो आकर्षण बल है वो कौन कौन भाग ले रहे हैं उसके आधार पर इसका क्या किया गया है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तीसरे टाइप का जो सॉलिड होते हैं वो कौन होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड। कौन होते हैं, कोवेलेंट। इसमें धातु परमाणु नहीं होते हैं,
ये सामान्यतः अधातुओं के परमाणु होते हैं और वो अधातुओं के परमाणु होते हैं आपस में सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे? सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा, और एक लंबा नेटवर्क बना लेंगे। क्या बना लेंगे? लंबा नेटवर्क बना लेंगे, है ना, इस टाइप से। जैसे अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन में देखो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन की श्रृंखला का एक लंबा नेटवर्क है। तो इस प्रकार के जो परमाणु हैं इनके मध्य जो आकर्षण बल है जो कि सहसंयोजी बॉन्ड के कारण होता है, तो ऐसे जो किसलय ठोस, ये भी किस प्रकार के ठोस है? किसलय ठोस है, जो कि एक लंबा बड़ा क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेटवर्क सॉलिड या सहसंयोजी ठोस, या फिर इसको कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है। तो मैंने आपको चार टाइप के जो किसलय ठोस बताए हैं, इनमें सबसे पहले अंतर जानना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा समझ में नहीं आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी में भी अणु है, इसी में भी अणु है, इसमें भी हो सकता है परमाणु है, है ना, तो सारे के सारे एक जैसे नजर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंतर अगर डिवाइड होगा तो हम इसके बारे में सब कुछ लिख पाएंगे। तो वापस मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, अणु और अणु के मध्य, तो इसको क्या कहा गया है? आणविक ठोस। अणु और अणु के मध्य आकर्षण बल, यानी कि ये जो आधार जो हम बेस जो किया है ना वर्गीकरण, वो किस आधार पर किया है? इसके अंदर उपस्थित अंतर आणविक बल जो वो कैसा है उसके आधार पर, है ना। तो यहाँ अणु और अणु है, यहाँ पर क्या है? आयन और आयन है, यहाँ पर क्या है? आयन और आयन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। और यहाँ पर क्या है? धातुओं का परमाणु है जो कि क्या है? धनायन है। तो धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, धनायन और इलेक्ट्रॉन, ये आयन अलग है, ये तो धनायन और ये ऋणायन दोनों अलग आयन है, जबकि यहाँ पर क्या है? धनायन और दूसरे इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कौन है? उसी के इलेक्ट्रॉन। तो धनायन और इलेक्ट्रॉन के मध्य अगर आकर्षण बल है तो वो धातुएं हैं, और धातुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है? धात्विक आकर्षण बल, और इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो किसलय संरचना जो बनेगी वो क्या कहलाएगी? धात्विक ठोस। जो अलग प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं? सहसंयोजी। जो चौथे टाइप के हैं वो है सहसंयोजी, जिसमें क्या है? सारे के सारे अधात्विक परमाणु हैं जो कि आपस में सहसंयोजी बॉन्ड के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के जो किसलय ठोस हैं वो उनको हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, जिसको अपन आणविक ठोस भी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। किस प्रकार के ठोस? आणविक ठोस। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो आणविक ठोस होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो कौन होते हैं? अणु होते हैं। कौन होते हैं? अणु, और दूसरा भी कौन होता है? अणु। और अणु और अणु के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है? आणविक आकर्षण बल। तो ये सारे के सारे जब अणु आपस में मिलेंगे तो एक निश्चित और नियमित रूप से ज्यामित व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होंगे, और इस प्रकार की जो संरचना होगी वो आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अब ये अणु और अणु होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम तीन भागों में बांट सकते हैं वापस। एक तो होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और दूसरे प्रकार के होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरे प्रकार के होंगे वो कौन होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम कह सकते हैं कि तीन प्रकार के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बंधित। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसको अपन ध्रुवीय आणविक ठोस भी कह सकते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनको हम ध्रुवीय आणविक ठोस भी कह सकते हैं, जबकि ये जो नॉन पोलर होते हैं उनको क्या कहते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। क्या बोलते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरे प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डेड, इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस भी कहते हैं। तो ये तीन टाइप के जो हमने पढ़ रहे हैं, पहला है ध्रुवीय, अध्रुवीय और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसमें तो ध्रुवीय जो होते हैं वो जो अणु और अणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ HCl, ये वापस HCl, है ना, ये तो ये क्या है? इसके ऊपर क्या आएगा बच्चों? इसके ऊपर आएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर आ जाएगा वापस आंशिक पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज। तो ये जो अणु हुआ वो कैसा हुआ? ध्रुवीय अणु है। किस प्रकार का अणु है? ध्रुवीय अणु है। और ये भी किस प्रकार का अणु है? ध्रुवीय अणु है। अगर ध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण जो क्रिस्टलीय सॉलिड बनेगा, इस प्रकार के जो सॉलिड होंगे वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। जबकि दूसरे प्रकार के जो सॉलिड हैं वो कैसे हैं? अध्रुवीय प्रकृति के।
जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एच और एच, एच टू का एग्जांपल है ना, ये दूसरा भी क्या हो गया एच और एच, ये तीसरा भी क्या हो गया एच और एच, इस प्रकार से असंख्य अणु क्या होंगे मिलकर के क्या बनाएंगे क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे, जो एग्जाम्पल किसका है एच टू का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों ही क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ध्रुवीय बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये भी है तो अणु है, ये भी अणु है, ये दोनों ही कैसा है अणु है, ये भी थे तो क्या थे अणु, लेकिन इनकी प्रगति कैसी थी ध्रुवीय प्रगति थी, जबकि ये भी दोनों अणु है लेकिन इसकी प्रगति कैसी है ध्रुवीय नहीं है। क्यों 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 नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ही जो पार्टिकल जो भाग ले रहे हैं वो क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है बराबर है ना, जीरो है ना, विद्युत ऋणता के मान में कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा है, ये इसके ऊपर ऐसे नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि दोनों ही परमाणु तो क्या है सेम है। तो इस प्रकार के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत ही क्या होता है कम होता है। तो इस प्रकार के जो ठोस बनते हैं क्रिस्टलीय ठोस बनते हैं उनको क्या कहते हैं अध्रुवीय आण्विक ठोस, उनको क्या कहा जाता है अध्रुवीय आण्विक ठोस। तीसरे प्रकार के जो ठोस हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड आण्विक ठोस। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड आण्विक ठोस होते हैं उसमें देखो क्या होता है बच्चों कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जैसे जल की मैं एक संरचना बना रहा हूँ, ये एच ओ एच, ये एच ओ एच, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो आण्विक ठोस है एक प्रकार के ध्रुवीय आण्विक ठोस ही है, इसको अलग से क्या किया गया है परिभाषित किया गया है, जो ध्रुवीय आण्विक ठोस होते हैं उनमें के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसमें हाइड्रोजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन ध्रुवीय प्रकृति का होगा, लेकिन हाइड्रोजन बंधित आण्विक जो ठोस जितने भी हैं उसमें प्रबल हाइड्रोजन आकर्षण बल होगा, क्योंकि यहाँ जो ध्रुवीय होगा वो क्या होगा प्रबल प्रकृति का होगा, जैसे कि वो क्लोरीन हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं क्लोरीन हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। तो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु से ये क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार के जो ठोस होते हैं इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है जिसमें कौन हो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, कौन हो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो इस प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस बनते हैं उनको क्या कहते हैं हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस। तो ये अंतर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जिसके अंदर हमने चार प्रकार के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूलर, एक आयनिक, एक धात्विक और चौथे प्रकार के हैं वो कौन से हैं सहसंयोजी या नेटवर्क टाइप के, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ रहे हैं जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आण्विक ठोस, और आण्विक ठोस है तो इसका मतलब कि अणु और अणु के मध्य आकर्षण बल है, और अणु और अणु के मध्य आकर्षण बल है, इसके आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं अगर दोनों अणु और अणु जो भाग ले रहे हैं वो अगर पॉलर प्रकृति के हैं द्विध्रुव वाले हैं, या फिर वो नॉन पॉलर हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं है केवल वंडरवॉल फोर्स है, और तीसरा है जिसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इस आधार पर हम जो आण्विक ठोस है उनको तीन भागों में बांटे, पॉलर, नॉन पॉलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो सबसे पहले हम पॉलर के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलर के बारे में मैंने वैसे बताया आपको कि ये जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं धनायन और ऋणायन, इसमें दोनों की विद्युत ऋणता अणु के मध्य जो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, एक तो होता है धनायन आंशिक धनावेश और एक के ऊपर क्या है आंशिक ऋणावेश, जिसको अपन डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव के द्वारा क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं ध्रुवीय प्रकृति के, पहली बात तो ये कैसे हैं दोनों ही अणु ध्रुवीय, ये अणु कैसा है ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रकृति का, ये भी कैसा है ध्रुवीय, तो यहाँ पर द्विध्रुव है और इस पर भी क्या है द्विध्रुव, तो इस प्रकार का जो आकर्षण बल होगा इसको हम क्या कहेंगे द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है ना। और इस प्रकार के जो ठोस होंगे वो क्या कहलाएंगे ध्रुवीय आण्विक ठोस, क्या कहलाएंगे ध्रुवीय आण्विक ठोस। इसके बाद में है ये जो ठोस है एक बात आप ध्यान रखना, आप कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन की यहाँ बात हो रही है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे अध्रुवीय हैं, इसी प्रकार ये भी हैं, HCl है, ये तो हमें लेबोरेटरी में हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो देखते हैं कि वो HCl की बोतल ओपन करते हैं तो HCl उसमें से क्या होती हैं रिलीज होती हैं और पूरी लैब के अंदर फैल जाती हैं,
तो हम कहेंगे कि ये तो HCl तो गैसीय अवस्था में है और आप कह रहे हो कि ये क्रिस्टली ठोस है, तो ऐसा कैसे है? तो ये जितने भी हैं, इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे जो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का जो ताप होता है, उसके अंदर ये कोई ठोस अवस्था में पाया नहीं जाता है। आपको कोई भी यहाँ पर ना तो HCl मिलेगी, ना H2 मिलेगी, ना क्लोरीन मिलेगी, ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही ये कोई जल वगैरह, ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर आपको ठोस अवस्था मिलेंगे। ये या तो आपको मिलेंगे गैसेस स्टेट में या फिर आपको मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में। तो ये जितने भी आणविक ठोस हैं जिसमें पॉलर, नॉन पॉलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, वो रूम टेम्परेचर पर कोई भी आपको ठोस अवस्था में नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि हम पढ़ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहे हैं लेकिन यहाँ बात हो रही है कि भाई ये हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये तो हमें गैसेस फॉर्म में मिलते हैं और ये सॉलिड गैस हो गए। तो ये जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, रूम टेम्परेचर पर आपको कोई सॉलिड अवस्था में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके गलनांक हैं वो बहुत ही कम होते हैं, है ना? तो कम गलनांक के कारण, यानी कि इन सभी का अगर अपन एक बहुत, आपने देखा होगा कि HCl वगैरह है उसको अगर बहुत निम्न टेम्परेचर पर लाया जाए तो वो वापस क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अमोनिया है तो उसको अपन और निम्न टेम्परेचर पर लाए तो वो भी क्या आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। इसमें जैसे आप नाम सुना होगा द्रव ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, तो ये भी उस स्थिति में तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में आई है। उससे भी अगर बहुत कम टेम्परेचर अपन लगाए और उच्च दाब लगाए तो ये क्या हो सकती है, एक सॉलिड फॉर्म में आएंगी जिसके अंदर जो इसके अवयवी कण होंगे सॉलिड स्टेट में। ध्यान देना, जब ये सॉलिड स्टेट में आएगी तो जो अवयवी कण होंगे वो एक निश्चित और नियमित ज्यामिति व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित होंगे, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, जिसकी ज्यामिति व्यवस्था कैसी होगी, क्रिस्टलीय ठोस होगी, है ना? तो आणविक ठोस जितने भी हैं वो सामान्य रूम टेम्परेचर पर आपको कैसे मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में या फिर आपको मिलेंगे गैसेस फॉर्म। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलर, और पॉलर में तो जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, अणु और अणु दोनों ही द्विध्रुव प्रकृति के होंगे। तो इस प्रकार का जो आकर्षण बल होगा वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। और ये जो होते हैं ये कमरे के ताप पर अपन को कैसे मिलेंगे, सीधी सी बात है कि ये आपको या तो द्रव अवस्था मिलेंगे या फिर आपको क्या मिलेंगे, गैसेस अवस्था मिलेंगे। ये जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, इसी कारण तो ये क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा इसको हीट एनर्जी मिलते ही ये क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो ये गैसेज अवस्था में ही या लिक्विड फॉर्म में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य अणु, अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या है, बहुत ही कम है। आकर्षण बल क्या है, बहुत ही कम है। दूसरा है कि इसके जो गलनांक होते हैं ये क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है, कम होता है ना? दूसरे टाइप के अपन बच्चों पढ़ते हैं नॉन पोलर अध्रुवीय अणु। कैसे पढ़ते हैं अपन? अध्रुवीय अणु। यहां पर आप अगर गौर से देखोगे तो यहां पर कौन है, अणु और अणु, इसलिए ये क्या है, आणविक ठोस। लेकिन दोनों अणु कैसे हैं, अध्रुवीय प्रकृति के हैं, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की एक जैसी है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो जो अणु बना है उसमें जो परमाणु है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं है। तो इस प्रकार के अणु और अणु के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो देखो एक आंशिक पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं और यहाँ पर एक दूसरा कैसा लिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो एक नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है। तो इसके मध्य आकर्षण बल तो थोड़ा अधिक होगा, तुलनात्मक इसमें क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों के मध्य कोई किसी प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई ध्रुवीय और अध्रुवीय जो अणु होते हैं उसमें अणु अणु के मध्य आकर्षण बल किस में अधिक होगा, तो अपन सीधी सी बात है कि ध्रुवीय अणुओं में आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, द्विध्रुव प्रकृति के है। जबकि यहाँ पर आकर्षण बल होता है बहुत ही कम होता है। सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है, वांडरवाल बंध। क्या कहलाता है, वांडरवाल या फिर बंध, या फिर आप इस बॉन्ड को कह सकते हैं लंदन बल। क्या कहलाता है, लंदन बल, या फिर इसको परिक्षेपण बंध भी कहते हैं, बल भी कहते हैं। क्या कहलाता है, परिक्षेपण बल, ठीक है ना? ये बहुत ही दुरूर प्रकृति के जो होते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली अपन को क्या मिलेंगे, गैसेस फॉर्म में ही मिलते हैं। ये जितने भी अणु हैं वो क्या है, गैसीय अवस्था में मिलते हैं। लेकिन इसका अगर अपन बहुत निम्न टेम्परेचर करें तो हम कह सकते हैं कि ये किस अवस्था में मिल सकते हैं अपन को, किसलिए ठोस अवस्था में मिल सकते हैं, जिसमें इस अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, एक निश्चित और नियमित रूप में क्या होंगे, ये 3D में व्यवस्थित हो सकते हैं। और दूसरे अपन अगर गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो ये इनसे भी इनके क्या होते हैं, कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कि थोड़ा सा अगर आप टेम्परेचर इसको दोगे तो ये किस में वापस ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है? तो इसके जो एग्जाम्पल हैं
वो देखो ये सारी जितनी भी गैसेस अवस्थाएं हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल आप इसको काम में ले सकते हैं। अब ये जो होते हैं ये सारे के सारे विद्युत के कुचालक हैं। पोलर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक प्रकृति के होते हैं। और ये भी क्योंकि इसमें अणु है और ये भी अणु है और ये भी अणु है, तो ये सारे के सारे कुचालक प्रकृति के होते हैं। तीसरे टाइप का जो है वो है आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित जो आणविक ठोस होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन जो होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये हाइड्रोजन बंधित जो जितने भी हैं ये एक प्रकार के ध्रुवीय आणविक ठोस ही हैं, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो प्रबल विद्युत ऋणी के साथ में क्या हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इस जो हाइड्रोजन और दूसरा जो विद्युत ऋणी है जो क्लोरीन ऑक्सीजन या क्लोरीन कोई भी हो सकता है, तो ये जो है ये क्या होता है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन है ना जो दूसरे विद्युत ऋणी, तो एक हाइड्रोजन दो अलग अलग विद्युत ऋणी के मध्य क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ये प्रबल आकर्षण बल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रबल आकर्षण बल के कारण ये ध्रुवीय और अध्रुवीय इन सभी से क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक भी थोड़े से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर और नॉन पोलर ये सभी क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं। जल भी क्या है, विद्युत का कुचालक। लेकिन आप तो करंट ऐसे मत कर देना कि भाई आप बीकर में पानी लो और आप सर ने कहा था कि भाई ये तो विद्युत के कुचालक होते हैं और करंट आता है। ये जो पानी होता है जो आप करंट वाला होता है वो टैप वाटर होता है। कैसा होता है, टैप वाटर नल का पानी होता है जिसके अंदर कई सारे मिनरल्स वगैरह अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। लेकिन आप अगर डिस्टिल वाटर लेते हैं, अशुद्ध जल लेते हैं जिसके अंदर प्योर क्या हो, H2O हो, प्योर क्या हो, H2O और H2O, इस प्रकार का जो जल होता है उसके अंदर चालकता प्रदर्शिता नहीं होती है, उसमें करंट नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़े हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन टाइप, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर के अंदर अणु और अणु जो भी होंगे वो क्या होंगे, ध्रुवीय प्रकृति के होंगे। नॉन पोलर जो भी होंगे जिसमें अणु और अणु होंगे वो कैसे होंगे, अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। हमें जो किसलिए ठोस बनाना है वो अणु और अणु के मध्य आकर्षण बल से बनाना है, न कि अणुओं के मध्य परमाणु और परमाणु से बनाना है, नहीं, हमें अणु और अणु के मध्य, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आणविक ठोस और जो अणु अणु के मध्य आकर्षण बल के आधार पर हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। नॉन पोलर में क्या है, अणु और अणु दोनों ही अध्रुवीय प्रकृति के हैं। हाइड्रोजन बंधित में क्या है, जिसमें अणु है जिसमें एक विद्युत अधिक विद्युत ऋणी या दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में आ जाता है, ये आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए जल होता है। ये हमें सामान्य द्रव अवस्था में मिल जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं आयनिक ठोस। प्यारे बच्चे, जो आयनिक जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, आयन्स होते हैं। कौन होते हैं, आयन्स होते हैं, है ना। जो भाग लेने वाले जो परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, आयनिक प्रकृति के होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अपन नमक का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आयनिक सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें Na प्लस Cl माइनस। तो सोडियम और क्लोरीन ये जो दोनों ही हैं, ये और ये है ना, ये कैसा है, ये धनायन है और ये कैसा है, ऋणायन है। इन आयनों के मध्य यानी कि यहाँ भाग लेने वाले कौन है, आयन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन थे, अणु और अणु, दोनों ही क्या थे, अणु। लेकिन यहाँ पर क्या है, आयन और आयन। जब आयन और आयन के मध्य जो आकर्षण बल होता है, आयन और आयन के मध्य जो आकर्षण बल होता है, इसके कारण जो बनने वाले जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक सॉलिड। कैसे होते हैं, आयनिक सॉलिड। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा आकर्षण बल होता है, बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल होता है तो ये आसानी से एक दूसरे को तोड़ते भी नहीं है, इसको अपन एनर्जी दे तो ये आपस में टूटेंगे भी नहीं, और नहीं टूटेंगे तो इसके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। तो आयनिक ठोस जितने भी होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये आकर्षण बल के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आकर्षण बल के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए, तो ये आपस में क्या होते हैं, टूटते नहीं है। टूटते नहीं है तो आयनों का अभिगमन नहीं हो पाता है, और आयनों का अभिगमन नहीं होता है तो ये क्या कहलाते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, कुचालक प्रकृति के। तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल होता है, आयनिक आकर्षण बल। और दूसरा, इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तीसरा, ये कैसे हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, यानी चालकता प्रदर्शिता नहीं करते हैं। लेकिन इसको अपन अगर जल के साथ में ऐड कर दें, किसके साथ में ऐड कर दें, जल मिला दें, क्या मिला दें, इसमें जल मिला दें। जल मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड पृथक हो जाएगा, और
सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे। जब आयन पृथक हो जाएंगे तो इनका अभिगमन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आयनों का अभिगमन क्या हो जाएगा, शुरू। और जब आयनों का अभिगमन शुरू हो जाएगा तो ये विद्युत की क्या करेंगे, सुचालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सुचालक। अब इन आयनिक क्रिस्टलों को अगर अपन आकर्षण बल अधिक होता है तो ये सामान्यतः रूम टेम्परेचर में अपन को सॉलिड अवस्था में मिलेंगे। और इनकी जो ज्यामिति व्यवस्था होती है ये एक डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हो, ये किस प्रकार से देखो व्यवस्थित हैं। ये सारे के सारे एक निश्चित और नियमित, क्योंकि हम किस लिए सॉलिड बढ़ रहे हैं तो इनकी आयनों की जो ज्यामिति व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित और नियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है। कैसी होती हैं, निश्चित और नियमित, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें क्या होता है कि अभिविक कण है वो कौन होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, जितने भी आयनिक सॉलिड हैं जैसे कि NaCl है, NaCl है, KCl है ना, कॉपर सल्फेट है, और भी अपन कई सारे एग्जांपल हैं, वो अपन क्या कर सकते हैं, आयनों के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने आयनिक सॉलिड के बाद में आता है आपके मेटेलिक सॉलिड, जिसको अपन धात्विक ठोस भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं आगे करें। प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ रहे हैं धात्विक मेटेलिक सॉलिड, जिसको अपन धात्विक ठोस भी कहते हैं। इसमें देखो, ये जो मैंने जो संरचना आपको बताई है वो क्या है, धातुओं के परमाणु हैं। किसके परमाणु हैं, धातुओं के परमाणु। तो हम कह सकते हैं कि जो धात्विक जो ठोस होते हैं उसमें अभी भी कौन कौन होते हैं, धातु परमाणु। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था Fe2+ + 2e-, तो ये जितने भी अणु होते हैं, सॉरी पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन होते हैं, धनायन। और ये जो धनायन होते हैं एक निश्चित क्रम के अंदर व्यवस्थित हो रहे हैं, और इसी क्रम में अगर हम कहते हैं कि अगर इनकी ज्यामिति व्यवस्था अगर निश्चित है तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर धातु परमाणु है तो इसको हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस। क्या बोलेंगे हम, धात्विक ठोस। अब ये जितने भी धातु परमाणु हैं वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनों के पूरे, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं है ना, तो दे रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा क्या हो जाता है, समुद्र है, जिसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, निश्चित क्रम में क्या है, व्यवस्थित है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ये मुक्त अवस्था में, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, धनायन है, जो धातु परमाणुओं के क्या है, धनायन है, जो इसके अंदर क्या है, व्यवस्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अपन अगर इलेक्ट्रॉन करंट प्रवाह किया जाए तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है। तो ये जो जितने भी धात्विक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सारे के सारे क्रिस्टली ठोस हैं, चूँकि हम क्रिस्टली ठोस पढ़ रहे हैं तो ये है क्या है, क्रिस्टली ठोस। और दूसरा क्या है, ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक। और क्यों, क्योंकि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो जाता है, आसानी से अभिगमन हो सकता है। जो धात्विक जितने भी धातुएं हैं, मेटल्स जितने भी हैं, सोना चांदी तांबा लोहा एल्युमिनियम जितने भी हैं, वो सारे के सारे धात्विक ठोस के क्या हैं, उदाहरण है। अब धात्विक ठोसों के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है कि इसमें क्या क्या होता है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब पीटने पर, आघात करने पर उसमें क्या पाया जाता है, वर्धनीयता यानी बढ़ने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा धातुओं का आप अगर काटते हैं तो उसमें आपको धात्विक चमक मिलेगी। क्या मिलेगी, धात्विक चमक मिलेगी। इसके अलावा आप इसको पीटोगे तो इसमें तन्यता पाई जाती है, उसके क्या खींचे जा सकते हैं, बहुत ही लंबे तार खींचे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होती है, अपन कहते हैं सोना के अंदर। सोने को अपन अगर पीटते जाए तो क्या होता जाएगा, उसका लंबे बहुत ही पतले और बारीक अपन चदरे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थे ये धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों के बाद में हम आगे चर्चा करते हैं, वो है ससंयोजी या नेटवर्क ठोस। ये जो ठोस होते हैं इसमें जो अभिविक कण होते हैं वो सामान्यतः अधातु परमाणु होते हैं। कौन होते हैं, इसमें जो अभिविक कण होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं। जैसे कि अपन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट के। इसमें एक कार्बन परमाणु है, माना कि यहाँ पर ये, जैसे कि ये एक कार्बन है, यहाँ पर वापस दूसरा कार्बन है, यहाँ पर तीसरा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, है ना। इस प्रकार से कार्बन कार्बन सारे के सारे जो होते हैं वो अभिविकण यानी कि परमाणु होते हैं, धातु अधातु परमाणु होते हैं। अभिविकण कौन होंगे, अधातु परमाणु। और ये आपस में जुड़ करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, मैक्रोअणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैक्रोअणु। तो इन अधात्विक परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन टाइप होती है, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार के जो ठोस बनते हैं उसको क्या कहते हैं, ससंयोजी ठोस, या चूंकि एक लंबा नेटवर्क बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसमें जो ससंयोजी बॉन्ड का गुण होता है, जैसे कार्बन की चारों संयोजकता है, वो चारों कार्बन दूसरे परमाणु से क्या होती है, बंधित रहती है।
इस कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त नहीं होता है। लेकिन इसमें ग्रेफाइट है वो क्या है, इसका अपवाद है, क्योंकि केमिस्ट्री तो अपवादों से भरी है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन वो होता है वो क्या होता है, मुक्त होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त। बाकी तीन इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लेते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ये प्रवाह कर लेता है, और प्रवाह कर लेता है तो सुचालक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सुचालक। तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्रेफाइट क्या है, अपवाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ससंयोजी जो या नेटवर्क जो ठोस होते हैं उसमें जो अभिविकर्ण होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं, जो ससंयोजी बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, या सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइट है, हाँ, ये सारे के सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ये जो कुचालक हैं बहुत ही अधिक कठोर प्रकृति के होते हैं, इसमें जो भंगुरता का गुण भी पाया जाता है, ससंयोजी बॉन्ड होता है, या कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो सारे सारे आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से आपको एग्जाम के अंदर इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही याद रखना है, क्योंकि एक बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया है कि किसी एक नेटवर्क ठोस का उदाहरण दीजिए, तो नेटवर्क तो किसमें होगा, हीरा में होगा, ग्रेफाइट में होगा, तो आपको ये एग्जाम्पल देना था, है ना। तो आज हमने पढ़ा है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो आज हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो होते क्या हैं, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आप कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर के इसका पार्ट फर्स्ट देख लें, ताकि ठोसों के प्रकारों के बारे में आप आसानी से चर्चा कर सकें, समझ सकें कि कौन कौन से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कौन कौन से अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने सबसे पहले हमने इसका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण किस बेस पर कर रहे हैं, ये बेस क्या होता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि भाई ठोसों का वर्गीकरण अपन ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर किया, तो वो अभिकणों की ज्यामिति व्यवस्था के आधार पर हमने किया, तो वो क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन सॉलिड मिले हमको। लेकिन अपन उसको रंग के आधार पर करेंगे तो हम कहेंगे कोई ठोस काले होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई पीले होते हैं। उसी तरह से अगर हम इसका किस आधार पर कर रहे हैं कि जो अभिविकर्ण होते हैं उसके मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल कैसा होता है, उसकी उपस्थिति के आधार पर हमने क्या किया है, वर्गीकरण किया है क्रिस्टलीय ठोसों का, जिसको हमने चार भागों में बांटा है। कौन कौन से? आणविक, आयनिक, धात्विक और ससंयोजी ठोस। आणविक ठोसों के अंदर जो अभिविकर्ण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, वो अणु और अणु होते हैं, जो आकर्षण बल होता है अणु और अणु के मध्य होता है। आयनिक जो ठोस होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयन और आयन होते हैं। धात्विक ठोसों में जो अभिविकर्ण होते हैं वो धातु आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ससंयोजी या जो नेटवर्क ठोस होते हैं उसमें जो अभिविकर्ण होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं। इसका जो अणु बनता है वो विशाल अणु बनता है, मैक्रो अणु बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज क्रिस्टलीय ठोसों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।